सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी को। मीडिया के साथियों, आज डूंगरपुर शहर ने राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास बनाया है। उन सब इतिहास के पीछे अगर कोई कहानी का स्वरूप या कहानी के अंदर हमारी सफलता का जो राज है, वो सबसे बड़ा राज ये है कि हमारे शहर का सारा मीडिया का साथी नगर परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करता है। इसलिए मेरा आज आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप भी मीडिया के साथी हमारे यहाँ की निकायों को सहयोग करें तो निश्चित रूप से बाड़मेर के अंदर भी बदलाव आएगा। देखिए होता क्या है कि हम काम करते हैं तो काम करते समय हमारे से गलतियाँ होती हैं, और हम चाहते हैं कि जहाँ भी हमारी गलती हो वहाँ मीडिया का साथी हमें बताए पहले, उसके बाद उसको उजागर करें। अगर हम काम नहीं करें, हम निकम्मे हैं तो हमारे निकम्मेपन को उजागर करें। अगर हम काम कर देते हैं आपके बताने के बाद, तो आप लोग हमें सहानुभूतिपूर्वक और हमारे इस शहर की जिम्मेदारी, निकाय की जिम्मेदारी खाली नगर परिषद के अधिकारी या जनप्रतिनिधि की नहीं, पत्रकार बंधुओं की भी है। इसलिए आप लोगों से मेरा सबसे पहले अनुरोध है कि आप लोग निकायों को सहयोग करें। राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी और हमारे नगरीय विकास मंत्री श्री चंद जी कंपलानी द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि राजस्थान के अंदर सारी निकायों में जाकर स्वच्छता का संदेश दें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक निकाय ऐसी निकाय बन चुकी है जिसने राजस्थान में अनेकों क्षेत्र के अंदर इतिहास बनाए। हमने हमारे शहर को ODF घोषित कर दिया, मतलब खुले से शौच मुक्त। ये राजस्थान की प्रथम निकाय थी। इसके उपलक्ष में हमें 5 करोड़ का पारितोषिक इनाम भी मिला। और हमने किन परिस्थितियों में किस तरह से शहर को ODF किया, ये मेरे द्वारा जगह जगह हर जिले के अंदर बताया जा रहा है। और इसके छोटे छोटे नुस्खे हैं, छोटे छोटे प्रयास हमने किस तरह से किए, वो सारे प्रयास हम सारे निकायों को बता रहे हैं, सारे निकायों के अधिकारियों को बता रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधियों को बता रहे हैं। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हमारे इन प्रयासों से हमें सफलता मिलेगी। राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है कि स्वच्छ शहर रहे, सुंदर शहर रहे, हरा भरा शहर बने और खुले से शौच मुक्त शहर बने। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी सोच है कि देखिए जितनी भी बीमारियां होती है वो गंदगी से होती है, और गंदगी के अंदर स्वच्छता का होना बहुत आवश्यकता है, आवश्यक है। और खुले से शौच मुक्त शहर को बनाना निहायत आवश्यक है। आज डूंगरपुर शहर ने इतिहास बनाया है, अगर ये कहा जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। मेरी निकाय एक ट्राइबल बेल्ट की निकाय है जो राजस्थान के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। मैंने विकास के कामों को परे हटकर कामों को किया, बहुत सारे काम मैंने इस तरह के अनेकों प्रकार के अनोखे कार्य मैंने शहर के अंदर किए। देखिए जैसे आज मेरा बस स्टैंड बहुत सुंदर है, बहुत साफ है, निकाय उसकी जिम्मेदारी निकाय की। मेरा हॉस्पिटल बहुत सुंदर है, बहुत साफ है। मेरे बगीचे जहाँ पर नियमित रूप से 3 से 4 हज़ार बच्चे शाम को खेलने आते हैं, हर बगीचे के अंदर झूले हैं, घास है, पेड़ है, फव्वारे हैं, ये सब मैंने बहुत अच्छे मेंटेन किए। इसके अलावा आप देखिए मेरे गेप सागर की झील है, मेरी झील आधुनिक झील बन चुकी है, उसके अंदर बोटिंग चलती है, लोग बाग बोटिंग का लुत्फ लेते हैं। इसके अलावा भी मैंने देखिए मैंने ऐसे ऐसे अनोखे काम किए, जैसे मेरे यहाँ नेकी की दीवार, जहाँ पर गरीबों को करीब रोज के 200 से 300 लोग कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, खिलौने लेते हैं। इस तरह के अनोखे प्रयास हमारे द्वारा किए गए। हमारे द्वारा RO प्लांट चलाए जा रहे हैं जहाँ पर 20 लीटर पानी केवल 5 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है, ठंडा RO का शुद्ध पानी, और 1 लीटर पानी 1 रुपये के अंदर उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह के हमने बहुत सारे प्रयास, हमने ओपन जिम, जिस ओपन जिम को माननीय हमारे प्रमुख शासन सचिव मंजीत सिंह जी ने ये कहा
कि ये इंटरनेशनल लेवल की हमने ओपन जिम बनाई जहाँ हजारों की संख्या में शहर के लोग आते हैं और जिम करके स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। हमारे द्वारा योगशाला नियमित रूप से चलाई जाती है। हमारे द्वारा इस तरह से विकास के कामों को रोमांचक बनाने के लिए शहर के लोगों को, शहर से बाहर से आने वाले लोगों को किस तरह से हम आकर्षित करें। हमारा मोक्ष धाम देखने लायक है, जहाँ पर हमने बगीचा बना रखा है, एक शिव जी की मूर्ति की स्थापना कर रखी है, जहाँ पर फव्वारे चलते हैं और जहाँ लेटरिन बाथरूम है, इवन वहाँ पर हमने आरओ प्लांट लगा रखा है कि आदमी को ठंडा शुद्ध पानी मिले। और हमने कई अनोखे कार्य, जिस तरह से मेरे यहाँ पर 12,000 इलेक्ट्रिक पोल हैं और 12,000 इलेक्ट्रिक पोलों पर किसी पर भी लाइट बंद नहीं रहती। अब आप कहोगे कि लाइटें बंद नहीं रहती, ये अनोखा प्रयास कैसे किया? मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर जो भी शिकायत करता है, जिस पोल पर लाइट बंद है, सब पे मेरे पोल के नंबर लिखे हुए हैं। शिकायत करने के बाद मैं उसको, शिकायतकर्ता को अगर मैं 25 घंटे के अंदर अगर लाइट चालू नहीं करता हूँ तो 25 रुपया उसको इनाम देता हूँ, प्रतिदिन के हिसाब से 25 रुपया इनाम। और आज मेरे शहर के अंदर शुरू शुरू में तो मुझे दिक्कत आई, लेकिन अब जब मैंने इनाम में, होता क्या है कि हम किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते। आज लाइट का क्या उपयोग है, लाइट की क्या महत्वता है, ये हमें मालूम नहीं। शहर में अगर हमने 99% जगह पर उजाला कर रखा और 1% जगह पर अंधेरा है, तो निश्चित रूप से वो हमारा मैसेज गलत है। आज मेरे यहाँ डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य 100% घरों से होता है, 100%। मेरे यहाँ 11,335 मकान है, 11,335 मकानों से नियमित रूप से कचरा उठता है। और कचरा उठने के बाद गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, गीले कचरे की खाद बनती है। मेरे यहाँ प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, मेरे यहाँ प्लास्टिक बिल्कुल नहीं नजर आता, सारा शहर साफ सुथरा बिल्कुल एक जैसा, कहीं कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं। तो ये सब जिम्मेदारी नगर निकायों की है, अधिकारी कर्मचारी और हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर अगर इस तरह के काम करें तो निश्चित रूप से शहर सुंदर, स्वच्छ और हरा भरा बन सकता है। खुले से शौच मुक्त शहर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे नुस्खे हैं, छोटे छोटे नुस्खे कि किस तरह से खुले से शौच मुक्त शहर बनाया जाए। जहाँ जंगल है, जंगलों को साफ करना पड़ेगा, जंगल हमने साफ कर दिए, जहाँ अंधेरा है वहाँ लाइटें लगानी पड़ेगी। और इसके अलावा जहाँ, जिन घरों में शौचालय नहीं है, जो खुले में शौच जाते हैं, उनके यहाँ शौचालय बनाने पड़ेंगे। सरकार 12,000 रुपये खर्च करने के हमें अधिकार देती है, सरकार और राजस्थान सरकार और भारत सरकार 4,000 रुपये का अनुदान देती है, फिर भी अगर हम शौचालय नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कामों में कमी है। और मेरा ये प्रयास रहेगा, आज मैं बाड़मेर आया हूँ, मैं मीटिंग 11 बजे मेरी मीटिंग होगी, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि बाड़मेर इकाई निश्चित रूप से कार्य, अच्छे कार्य कर रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कार्य को हमें तीव्र गति से, क्योंकि आज जमाना तीव्रता का है, शीघ्रता का है, जल्दी का है, धीरे धीरे काम करने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं मानता। जनता भी चाहती है कि जनप्रतिनिधि उत्तेजित होकर शीघ्र काम करे, तो मैं ये प्रेरणा आज यहाँ पर निकायों को देके जाऊँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात से निकाय निश्चित रूप से कुछ सीखेंगी और अपने काम को थोड़ा गति बढ़ाकर और बहुत जल्दी शहर को ODF बनाएगी, शहर को स्वच्छ बनाएगी, सुंदर बनाएगी, हरा भरा बनाएगी। ये मेरा एक प्रयोजन है जिसके लिए राजस्थान सरकार ने मुझे प्रतिनिधित्व के रूप में चुना है। और मैं राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना। और मैंने अब तक करीब 20 जिले पूरे कर लिए हैं, आज मेरा ये 21वां जिला है। और मुझे लगता है कि 20 जिलों की यात्रा के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी जगह बदलाव आ रहा है और निश्चित रूप से बदलाव आएगा। अधिकारी भी सक्रिय हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और विकास के काम भी, देखिए विकास के काम हमारे द्वारा अनेकों प्रकार के किए जा रहे हैं। आज राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री ने जल स्वावलंबी योजना, इसकी क्या आवश्यकता है? ये आवश्यकता बहुत बड़ी आवश्यकता है अगर इसको हम गंभीरता से समझें। इसके हमें टारगेट दिए, निकायों को जल स्वावलंबी योजना के तहत अनेकों प्रकार के काम करने, हार्वेस्टिंग का कार्य दिया, बाव बावड़ियाँ कुएं जो पुराने हैं उनको साफ सुंदर करने के लिए बजट दिया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। श्रमिक कार्ड,
जितने भी नगर निकायों के अंदर ठेकेदारों के पास कर्मचारी काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन श्रमिक कार्ड के तहत कराया जाए। भामाशाह कार्ड, जननी कार्ड योजना, जननी सेवा योजना, हमारा स्वास्थ्य बीमा योजना जो गरीबों के लिए है, हमारा उज्ज्वल योजना जो गरीबों को गैस की टंकी देने का है, ये सारे काम जितनी भी योजनाएं राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री ने, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं, उन सारी योजनाओं पर किस तरह से तीव्र गति से कार्य हो, ये भी हमारा संदेश आज हम कोशिश करेंगे कि ये निकायें इनकी भी पालना करें और शीघ्र इस तरह के विकास के काम करें जिससे राजस्थान और में राजस्थान का नाम भारत के पटियाल पर फर्स्ट नंबर पर आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। और आपको कुछ पूछना हो तो सर, बाड़मेर आए, आपने यहाँ की स्थिति शेयर की, क्या लगा आपको, कितने प्रयास करने बाकी? अभी मैंने जब बाड़मेर को देखा, बाड़मेर के मेरे कमिश्नर साहब को मैंने बुलाया और उनसे डिस्कशन किया, तो अभी प्रयास तो बहुत आवश्यक है, बहुत काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। और जो टारगेट इन्होंने अचीव किए वो टारगेट काफ़ी कम कहे जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम 100% घरों से करने का कोई लंबा चौड़ा प्लानिंग नहीं है। सरकार ने हमें सारी छूटें दे रखी है, आप टेंडर से करिए, आप स्वयं की व्यवस्था करके करिए। अगर कमी है तो कहीं ना कहीं हमारी, मैं ये समझता हूँ कि निकायों की कमी है और जिसे शीघ्र दूर करना चाहिए। तो सर, संसाधन पर्याप्त होते हैं निकाय के पास, बावजूद इसके अगर काम नहीं होता है तो इसे क्या समझा जाए, क्या जिस देखिए मैं आपको बता दूँ कि काम करने के लिए खाली साधन ही पर्याप्त नहीं है, बहुत सारी इसके अंदर कड़ियाँ हैं। जैसे कर्मचारी, आज हमारा कर्मचारी भी अगर काम नहीं कर रहा तो हमें उसे भी मोटिवेट करना पड़ेगा। एक जो व्यक्ति कचरा देता है, जैसे कचरे वाले मतलब घर वाले, परिवार वाले, हमें उनको भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप लोग भी सहयोग करिए। आज मेरे शहर की मैं बात करता हूँ, देखिए मेरे शहर के अंदर अगर 11,335 घरों से नियमित कचरा उठता है, कभी गाड़ी मेरी कचरा उठाने 1 घंटे या 2 घंटे लेट हो जाती है तो शहर की जनता के फोन हमारे पास बजने लग जाते हैं। मतलब शहर की जनता भी सक्रिय हो गई कि नहीं साहब, आपको आपकी गाड़ी कचरा उठाने वाली नहीं आई। तो ये सब चीज़ें जागृति पर, और हमें उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कर्मचारी को भी मेंटली उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि तुझे ये काम करना है। तो इसलिए ये सारी कड़ियाँ मिलेंगी तब जाकर हम 100% इन कामों के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप 20 जिले देख चुके हैं, तो फीडबैक सरकार तक इसका आप देंगे? मैं एक्चुअल में ये बता दूं, मैं सरकार को फीडबैक देने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे द्वारा जितना भी कलेक्शन किया जाता है, जितनी भी जगह देखी जाती हैं, उसकी सारी रिपोर्टिंग माननीय राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी को, श्री चंद जी कपलानी जो हमारे मंत्री हैं उनको, और हमारे प्रमुख शासन सचिव, डायरेक्टर, सभी को मेरे द्वारा सूचना दी जाती है और डिटेल में सूचना दी जाती है। जहाँ पर कोई अधिकारी काम नहीं करता उसके बारे में भी बताया जाता है, जहाँ अधिकारी नहीं है उसके बारे में भी बताया जाता है, जहाँ जनप्रतिनिधि काम नहीं करता उसके बारे में भी मेरे द्वारा बताया जाता है। सर, आपने इतना सारा काम किया तो आपका खजाने का पैसा भी लगा होगा, तो क्या पब्लिक पार्टनरशिप को भी ध्यान में रखकर ये देखिए, मेरे यहाँ जितनी भी योजनाएं मैंने चल रही हैं, जैसे मैं शिक्षा भी क्लासेस चलाता हूँ, मैं रोजगार के लिए कंप्यूटर्स की क्लासेस भी चलाता हूँ, मेरा मोटो अलग है। देखिए, राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम बेरोजगारी को नहीं रहने देंगे, तो क्या मैं आपसे पूछिए, अकेली राजस्थान की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते, ये जिम्मेदारी मैं अपनी स्वयं की भी मानता हूँ। तो हमें भी रोजगार देना है, और किस माध्यम से दे सकते हैं? हमने कंप्यूटर लगाए, कंप्यूटर में हम क्लासेस चला रहे हैं, RSCST का कोर्स करा रहे हैं। जो बच्चा हमारे यहाँ से निकलेगा, गरीब परिवार का बच्चा, उसको रोजगार मिलेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है? छोटे छोटे जनप्रतिनिधि होने के नाते ये जिम्मेदारी भी हमारी उतनी है। हमने विकास के पटल पर बहुत सारे काम किए, तो ये सारे, अब इसके लिए कोई बजट, हमें कोई लॉटरी नहीं खुली हमारी, हमने बजट को जनरेट किया, इनकम के सोर्सेज बढ़ाए, और आज निकाय के अंदर, हर जिले के अंदर मैंने कई जगह बहुत डिस्कशन किए कि आप लोग काम क्यों नहीं करते, कि पैसा नहीं है। मेरा गलत बात, किसी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति मजबूत चाहिए, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं।
हमारी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, हम दूर दृष्टि रखते ही नहीं है। हमारा जनप्रतिनिधि वो ये सोचता है कि मैं 5 साल के बाद दोबारा मुझे बनना ही नहीं है जनप्रतिनिधि। हमारी मीन मेंटिलिटी हो गई है, इस मीन मेंटिलिटी को सुधारना होगा और जनप्रतिनिधि को सक्रिय होना पड़ेगा। कई जगह मुझे कहते हैं कर्मचारी काम नहीं करते, अधिकारी काम नहीं करते। मैं कहता हूं कि जनप्रतिनिधि अगर सक्रिय है, अधिकारी भी काम करेगा, कर्मचारी भी काम करेगा। ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन हमें सक्रिय होकर देखिए बदलाव आ रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं पूरे देश के अंदर बदलाव आ रहा है। आज ये बदलाव क्यों आ रहा है, क्यों, मतलब लोग बाग एक भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से उम्मीदवारों को भारी मतों से जिता रहे हैं, ये आपने कभी कल्पना की? यूपी में सरकार बदलेगी, कभी कल्पना की? किन परिस्थितियों में यूपी में सरकार बदली और सरकार भी किस कदर से बदली है, आप लोग सब साक्षी हैं। तो मुझे इसके बारे में, क्योंकि ये पॉलिटिकल इश्यू हो जाएगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन इतना जरूर कहना है कि सत्य की विजय होगी। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हरामखोरी करेगा ना तो सरकार उसको बख्शेगी ना जनता बख्शेगी, और आने वाले समय में राजनीतिक कैरियर उसका, नेता का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, और जो सरकारी अधिकारी है वो अधिकारियों की निगाहों में गिर जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और काम करना चाहिए। देखिए सर, आपने एक जो अभी बात की बाड़मेर के बारे में, आप जानते होंगे दर्जन भर कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए। अब जहाँ जिस निकाय के अंदर दर्जन भर से ज़्यादा सीनियर और जूनियर लेवल के कर्मचारी अधिकारी वो भ्रष्टाचार के आरोपों में ACB बार बार अपनी फाइलें तलब कर रही है, उस इलाके में क्या उम्मीद करें जब तंत्र पूरा इस तरीके? देखिए मेरे भाई, बहुत अच्छी बात आपने मेरे से पूछी है। मैं आपको ही बताना चाहूँ कि भाई आज वो पुलिस के अंदर देखो जेल जा रहे हैं जी, क्या उनको और उनके परिवार को अच्छा लग रहा है? क्या समाज को अच्छा लग रहा है? वो किस इज्जत से बाहर निकलेंगे? उनकी कितनी दुर्दशा हो रही है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अच्छे काम करोगे, आज देखिए आज डूंगरपुर छोटी सी निकाय है और उसका सभापति बड़ी बड़ी मीटिंगें ले रहा है, राजस्थान के जिला कलेक्टर, सारे अधिकारी, मेयर, जो मेरे से ऊपर पद का व्यक्ति है वो भी मेरी सभा में आ रहा है। सर, भ्रष्टाचार के आरोप जिन आयुक्त पे यहाँ पर लगे वो 4-5 महीने गायब रहते हैं, उसके बाद जयपुर जाते हैं वापस, पोखरण के आयुक्त बन के वापस आ जाते हैं, जबकि उनके रोल मुकदमे चल रहे हैं। सरकार की मंशा तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये सवाल निशान तो खड़े करती है कि जिनके ऊपर 4-4 मुकदमे, जिनके साथ के जो सह आरोपी वो जेल चले गए, वो आज भी पोखरण आयुक्त बन के आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यहाँ पर कुछ सवाल ये खड़े हुए जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए 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 देखिए, ये मैं आपको सर जानकारी दे रहा हूँ कि सरकार तक नहीं, ये बात मैं निश्चित रूप से, मैं जो घूम रहा हूँ मेरे घूमने से देखिए बहुत फर्क पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ और धरातल से उठा हुआ आदमी हूँ। मैं जनप्रतिनिधि बाद में हूँ, पहले जनता हूँ, मैं अपने आप को जनता का आदमी मानता हूँ। आप मेरी बारे में अगर कहीं चर्चा करके पूछेंगे, मेरा जीवन का जो काल है, जीवन का जो समय है, किस तरह से मैंने संघर्ष करके अपने इस जीवन के चक्र को, मतलब किन विषम परिस्थितियों में सम बनाया, और आज अगर मुझे कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कमी नज़र आएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए अगर ये बात आपने उठाई है, हालांकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये बात आपकी राजस्थान सरकार तक मैं पहुँचाऊँगा। और माननीय मंत्री मोदी जी को तो मैं आज ही, अभी मेरा नाकोड़ा जी में उनसे मिलना है, 1 बजे के बाद मैं वहाँ पर नाकोड़ा जी जाऊँगा और मैं नाकोड़ा जी में ही ये बात आपकी जरूर 100% पहुँचा दूँगा। सर, जब भी सभापति बाड़मेर से बात होती है वो ये कहते हैं कि कर्मचारी सस्पेंड चल रहे हैं, कर्मचारी जेल में चल जाके निर्मित हो गए, अब कर्मचारियों की कमी है। राजस्थान सरकार की चीज़ पता है तो कम से कम कर्मचारी तो यहाँ पे हो तब तो काम हो धरातल पे, एक अकेले आयुक्त या 4-5 कर्मचारी क्या कर लेंगे? देखिए मेरे कमिश्नर साहब से इस बारे में चर्चा हो चुकी है, हम अगर अधिकारी और कर्मचारियों के भरोसे बैठकर और उन कर्मचारी और अधिकारियों पर ये बात डाल दें कि अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, इसलिए काम नहीं हो सकते, मैं इस बात को नहीं मानता। बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही कहा कि इच्छा शक्ति अगर जनप्रतिनिधि और अधिकारी, एक अधिकारी भी है और वो सक्षम है, सरकार ने इतने सारे तरीके बता रखे। देखिए कर्मचारियों की कमी तो पूरे राजस्थान के अंदर हर निकाय के अंदर है, जब तक भर्तियां पूरी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भर्तियों की आवश्यकता ही नहीं है,
हमें ठेका पद्धति से संविदा प्रवृत्ति से हमें कर्मचारी लगाने का अधिकार है और हमने लगा रखे हैं। मेरे यहाँ भी स्टाफ नहीं है लेकिन किसी भी काम में कभी देरी नहीं होती। आप अभी शिकायत दर्ज कराओ, 10 मिनट के अंदर उस शिकायत की पूर्ति होती है। हम कह रहे हैं ना, हमारी इच्छा शक्ति में जन पर, ये सब बहानेबाजी है, मैं इसको नहीं मानता और बड़े स्पष्ट शब्दों में इसको खारिज करता हूँ कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, जिसकी बदौलत ये परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये कमिश्नर महोदय मेरे पास बैठे हैं, मैंने इनसे डिस्कस किया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बाड़मेर शहर 2 माह के अंदर अंदर ODF हो जाएगा। ये मैंने जो चर्चा की उस पर मुझे ये बिल्कुल इन्होंने डेट श्योर किया है और मैं इसके लिए इनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये भी हमारे पार्ट एंड पार्शली हम कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर ही निर्भर हैं और जो कर्मचारी और अधिकारी जागरूक है, सक्रिय है, देखिए उसको भी, इनको भी अपने नाम की चिंता है। जिस तरह से मैं यहाँ आया और मेरी अगर ये उपलब्धि मिली मुझे कि 2 माह के अंदर बाड़मेर ODF हो गया, तो वो श्रेय मेरे खाते में भी कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये प्रयास मेरा रहता है कि मैं कमिश्नर को कम से कम मोटिवेट करूँ और यहाँ के कमिश्नर डायनेमिक कमिश्नर हैं, निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा।